स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पख्तून ज़ुलमी और पावर सीसी के बीच में खेले जाने वाले आज के स्विट्जरलैंड टी10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड टी10 का मैच नंबर 47वां खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस मैच से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ दोस्तों आपको मिल जाता है टॉस एंड लाइनअप के अपडेट और यहाँ पे जो इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी मेरी स्मॉल लीग की, वो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप लोग बिल्कुल ज्वाइन होना। चलिए बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 47वां इस स्टूडेंट टी10 का 2:15 मैच स्टार्ट होगा और वेन्यू की बात करें तो स्टेक लेन का वेन्यू रहेगा दोस्तों। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा इस वेन्यू पे। दोस्तों अभी तक 45 मैच खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 23 मैच, बैटिंग सेकंड ने 20 मैच, दो मैच यहाँ पे अबंडेंट हुआ है दोस्तों। एवरेज को 90 से 120 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो बात करें दोस्तों टीम PKZ के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों PKZ टीम की तरफ से इजहार हुसैन है और आरिफ संगर हैं, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और इजहार हुसैन एक बढ़िया प्लेयर है, कभी कभी ये विकेट कीपिंग भी कराता है, ठीक है, लेकिन लास्ट के मैचेस में विकेट कीपिंग नहीं कराया था तो बॉलिंग ये किया था दोस्तों। तो इस मैच में आपको अपन देखना पड़ेगा कि ये विकेट कीपिंग करा रहा है या नहीं, तो ये मेन चीज़ रहेगा आज के मैच का, ठीक है। तो अपडेट के लिए तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन करना, लेकिन बैटिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक करके दिया है ये भी, 37 नॉट आउट 20 15 43 72, तो ये भी एक ठीक ठाक ही इनिंग खेला हुआ प्लेयर है, तो लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आरिफ संगर 2 ओवर की बॉलिंग करने वाला प्लेयर, अच्छा ऑलराउंडर है इनकी टीम का, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का प्रबल दावेदार रहने वाला है, लेकर के चलेंगे। इसका परफॉर्मेंस देखना है तो देख लीजिए, इस सीरीज़ में अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस ये भी किया है दोस्तों। अब्दुल्ला हमदर्द खेलेगा तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, 62 14 नॉट आउट 12 रन, मतलब एक अच्छा खासा इनिंग खेला हुआ प्लेयर है, तो बिल्कुल अगर टॉप ऑर्डर में मेंशन हो और खेले तो बिल्कुल लेकर के चलना। बासिर अहमद है इनकी टीम का एक अच्छा प्लेयर, 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता हुआ दिखेगा आपको, 2 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ, 15 रन भी यहाँ पे किए थे। और दोस्तों बॉलर काफ़ी बढ़िया है, इसके बारे में बोलूँ तो बासिर अहमद एक अच्छा प्लेयर है, बैटिंग भी कर सकता है अगर बैटिंग से चांस मिले तो, बॉलिंग भी अच्छा करता है। राजा शेखर कृष्णामूर्ति लास्ट के दोनों मैचेस से कंटिन्यू 2 ओवर की बॉलिंग किया है, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोज बट हैं ये भी एक अच्छा प्लेयर है, लास्ट के मैचेस से 1-1 ओवर कराया था, लेकिन दोस्तों अच्छा खासा इसको भी विकेट मिला, यहाँ एक विकेट यहाँ एक विकेट, तो अच्छा खासा विकेट भी लेता है, प्लेयर बढ़िया है, बिल्कुल टीम में ट्राई करना चाहो तो करके चल सकते हो दोस्तों। हदीयतुल्ला छिनवारी हैं, ड्रॉप करके चलेंगे, बैटिंग भी डाउन है इनका, परफॉर्मेंस भी डाउन है। नीचे के दोस्तों देखो सुभानुल्ला श्रीजाद हैं, अजद भट्ट हैं और अरशद भट्ट हैं, जुल्फ़िकार अली हैं, इनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आप जुल्फ़िकार को चाहो तो इनको ग्रैंड लीग के अंदर ले लेना, बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी के लिए आप अपनी टीम में लेकर के चलो इजहार हुसैन, आरिफ संगर को और बासिर अहमद इंपॉर्टेंट है, राजशेखर कृष्णामूर्ति इंपॉर्टेंट है, नीचे से मोज भट्ट को लेकर के चल सकते हो, बाकी दोस्तों ये 4-5 प्लेयर को ही आप बिल्कुल ध्यान देना, बाकी कोई और खेलेगा ना तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जैसे कि एन अजीजी हैं, एक खेले तो 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल कराएगा, ये एक अच्छा प्लेयर है, इस चीज़ को भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको मैं दे दूंगा, कोई भी खेलेगा तो एक बार आप भी इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड रीड कर लो। स्टार्टिंग के ओवर की बात करूँ तो मोइज भट्ट हैं, आरिफ संगर हैं, बासिर अहमद हैं, जो कि स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे, डेथ ओवर्स में तो आरिफ संगर बासिर अहमद आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। आगे बात करें टीम POCC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों टीम POCC की तरफ से असद मोहम्मद हैं और सफियात उल्ला हैं, लास्ट मैच में ओपन किए थे, सफियात उल्ला हर मैच में ओपन नहीं करता ये प्लेयर, मैं आपको बता दूं, लेकिन असद मोहम्मद हर मैच में ओपन कर सकता है, इसी को ध्यान देना, ठीक है। लेकिन ये भी दोनों ओपनिंग नहीं करते हैं, उस्मान महमूद इनके तरफ से ओपनिंग करने आता था, बाकी असद मोहम्मद 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स करा रहा है, प्लेयर बढ़िया है, हिटिंग भी कर लेता है, साथ ही दोस्तों बॉलिंग से भी पॉइंट दे करके जा सकता है, तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलो, कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो इसको करके चल सकते हो। सफियातुल्ला टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस सीरीज में उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं आया है इसका,
फराज विर्क है, एक अच्छा प्लेयर है, हिटर प्लेयर है, 20-42 नॉट आउट, 19-27-43। तो ये 5 इनिंग में काफ़ी अच्छा खेला है ये भी, तो बिल्कुल इसको लेकर के चलना, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। असरन उल्ला सफ़ी हैं, लास्ट के मैच में 37 रन किया था और एवरेज भी 20 का है इसका T20 के अंदर, खेलेगा तो ध्यान दे करके चलना, अच्छा प्लेयर है ये भी। असदुल्ला सैयद हैं, ड्रॉप करके चलेंगे इनको। ओस्मा महमूद 2 ओवर की बॉलिंग करने वाला प्लेयर, बैटिंग स्वीट कर लेता है ठीक ठाक और ओपनिंग पे आता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन नेक्स्ट मैच से पिछले मैच में दोस्तों थोड़ा बैटिंग डाउन करने आया था, लेकिन प्लेयर बढ़िया है, 2 ओवर की तो बॉलिंग करेगा ही करेगा, ले करके चलेंगे दोस्तों। फारिद अहमद ये भी अच्छा हिटर प्लेयर है, अगर बैटिंग आता है तो काफ़ी अच्छे हिट करता है और बॉलिंग भी 2 ओवर का पूरा पूरा करता है दोस्तों, तो लेकर के चलना है। फारिद अहमद भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। समगुर सफ़ी एक अच्छा बॉलर है इनकी टीम का, 2 विकेट यहाँ, 3 विकेट यहाँ, 1 विकेट यहाँ, 2 विकेट यहाँ, तो जब जब टीम ने इनको मौका दिया है तो बिल्कुल इसने अच्छा किया परफॉर्मेंस, लेकर के चलेंगे, अच्छा पिक रहेगा। उसके बाद दोस्तों फजल मियां रसेख हैं और इनको दोस्तों हर मैच में विकेट नहीं मिलता, बाकी GL के लिए ट्रंप रहने वाले हैं, GL में लेना चाहो तो लेकर के चलना इनको। आमिनुल्ला रहीमी हैं और अत्ता साजिद हैं, इनको ड्रॉप करके चलेंगे अभी के लिए दोस्तों। आप इनकी टीम से पिक करके चलो असद मोहम्मद को, फराज विर्क को और अंसरुल्ला सफ़ी को लेकर के चल सकते हो। नीचे से ओस्मा महमूद हैं, फारिद अहमद हैं, शमसूर सफ़ी हैं, इनको लेकर के चल सकते हो। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में से कोई भी खेले, जैसे कि अब्दुल्ला राणा है, अच्छा प्लेयर है, खेलेगा तो बिल्कुल ध्यान देना, सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे, यहाँ से कोई भी नया प्लेयर खेलेगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा दोस्तों। बात करूँ स्टार्टिंग के ओवर की तो असद मोहम्मद हैं, ओस्मा महमूद हैं और दोस्तों डेथ ओवर्स में ओस्मा महमूद हैं, फारिद अहमद आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिखेंगे सबसे पहले तो अजहर भट्ट और असरनुल्ला सफ़ी। तो असरनुल्ला सफ़ी को मैं सजेस्ट ज़्यादा करूँगा क्योंकि इनका बैटिंग आने का चांसेस हैं, अजहर भट्ट का बैटिंग आने का चांसेस बहुत कम रहेगा, बाकी लाइनअप के ऊपर डिपेंड रहेगा, अभी के लिए तो असरनुल्ला सफ़ी को लेते हैं। बैटिंग सेक्शन से असद महमूद हैं, इजहार हुसैन हैं और एफ विर्क हैं और अली संगर हैं, इनको लेकर के चलेंगे। और नीचे से दोस्तों कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता, अगर हमदर्द खेलेगा तो इम्पोर्टेंट है, अब्दुल्ला राणा खेलेगा तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी दोस्तों उतने इम्पोर्टेंट प्लेयर तो और नहीं दिख रहे हैं मुझे बैटिंग सेक्शन में। अजीजी खेले तो बिल्कुल इसको ग्रैंड लीग के अंदर लेकर के चलना, 2 ओवर की बॉलिंग करता हुआ दिखेगा आपको। और बाकी अभी ऑल राउंडर सेक्शन में आते हैं तो उस्मा महमूद हैं, इनको लेकर के चलेंगे बिल्कुल, और यहाँ से सफ़ी को लेकर के चलेंगे दोस्तों, ठीक है, प्लेयर बढ़िया है, शमसूर सफ़ी एक अच्छा प्लेयर है, इसको लेकर के चलेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन में आया तो बासिर अहमद है इम्पोर्टेंट और फारिद अहमद इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको लेकर के चलेंगे। और यहाँ से दोस्तों कृष्णामूर्ति, देखो इनका नाम है राजा शेखर कृष्णामूर्ति, ये भी बढ़िया प्लेयर है जो 2 ओवर की बॉलिंग आप लेकर आता है, लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करता है, तो इसको लेकर के चलेंगे। एक प्लेयर और मुझे चाहिए तो मैं अजीजी को लेकर के जा सकता हूँ या फिर दोस्तों यहाँ से किसी बैट्समैन को लेकर के जाऊँ, लेकिन अभी के लिए मैं अजीजी को ही प्रेफर किया हूँ। तो ये मेरी डेमो टीम है दोस्तों इस मैच की। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो अली संघर है एक अच्छा ऑप्शन, उस्मा महमूद हैं, असद महमूद हैं अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इजहार हुसैन भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। बाकी जो मेरी फाइनल टीम रहेगी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे विद कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।